तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। ये भी एक बच्चे डाउट में लेके आते हैं इस क्वेश्चन को, नीट वाले। तो ए सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट विद एंगुलर एक्सलेशन 90 डिग्री एज शोन इन फिगर। देखो, एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 है, मतलब मैक्सिमम 90 जा सकता है। तो 90, अल्फा 90 कब होगा यार? अल्फा 90 तब होगा जब ये यहाँ पर होगा, इस पोजीशन पे होगा, तो अल्फा 90 होगा यहाँ पर जब होगा। और ये एक्सट्रीम पोजीशन बनेगा, एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, एंगुलर एम्पलीट्यूड 90, ये एंगल 90 बनेगा, ठीक ना? उस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, एज शोन इन फिगर। और जो अल्फा 0 पॉसिबल है, वो यहाँ पर 0 पॉसिबल है, ये वाला चीज़। तो ये कहते हैं पॉइंट ए और बी, और ये पॉइंट मान लो ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये कहते हैं कि कहाँ पर जो नेट एक्सलेशन, एक्सलेशन मतलब एक्सलेशन पूछा जा रहा है, एक्सलेशन मतलब नेट एक्सलेशन, दो दो होगा ना, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल दोनों होगा। तो नेट एक्सलेशन वर्टिकल अपवार्ड होगा, हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकली डाउनवार्ड होगा। तो वर्टिकली अपवार्ड कहाँ होगा और वर्टिकली डाउनवार्ड कहाँ होगा, ये निकालना थोड़ा आसान है। तो सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं। जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर देखोगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है सेंटर की तरफ, ये सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है वो, तो टेंशन टी ऊपर लगेगा और एम जी इधर नीचे लगेगा। तो अगर मैं यहाँ सेंट्रिपिटल का इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो टी माइनस एम जी इस पॉइंट की वेलोसिटी एम बी स्क्वायर ओवर एल। अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ एक्सलेशन, जस्ट मैं डायरेक्शन निकालना है, दैट्स वाई अल्फा निकालना है। आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू और टेंशन की, यहाँ से जो है तो रखोगे तो यहाँ एक्सलेशन निकल जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, तो यहाँ से तुम देखोगे कि टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो नेट एक्सलेशन, भाई टेंशन एम जी से ज़्यादा होगा तभी तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा, नेट रियल फोर्स जो कि सेंट्रिपिटल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इस वाले लाइन में, हॉरिजेंटल वाले लाइन में, इस वाले लाइन पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो जो भी एक्सलेशन आएगा वो वर्टिकली आएगा, और वर्टिकली ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? वर्टिकली ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन अधिक है एम जी से, तभी तो जाके सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा यार। तो यहाँ पर जो एक्सलेशन आएगा वो वर्टिकली अपवार्ड आएगा, नेट एक्सलेशन, और वो अल्फा इस वक्त 0 है, मतलब वर्टिकली अल्फा जब 0 होगा, हाँ देखो, अल्फा जब 0 होगा तो वर्टिकली अपवार्ड एक्सलेशन होगा। अल्फा 0 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब या तो ये सही है, दो ऑप्शन, 50-50 हो गया। चलो अब यहाँ पे तुम देखोगे बी ऑप्शन की एनालिसिस करो। बी पॉइंट पे जो है टेंजेंशियल एक्सलेशन देखोगे, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन टेंजेंशियल फोर्स अपन मास होता है, और सेंटीपिटल एक्सलेशन बी एस ओवर एल होगा जब वेलोसिटी ही 0 है, एल है। तो यहाँ तो सेंटीपिटल एक्सलेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सलेशन 0 हो जाएगा। लेकिन इस पे हॉरिजेंटल में फोर्स टेंशन लग रहा है, वही इसको सेंटीपिटल फोर्स देता, ठीक है ना? तो सेंटीपिटल फोर्स यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ पे जो टेंशन है वही ये, जब घूम ही नहीं रहा, रेस्ट में है, तो सेंटीपिटल एक्सलेशन तो 0 आ गया, सेंटीपिटल फोर्स 0 आ गया। एक और फोर्स इस पे लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवार्ड लग रहा है, जो कि एम जी, जो कि यहाँ से टेंजेंशियल एक्सलेशन देगा। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है वो टेंजेंशियल फोर्स एम जी अपॉन एम, मतलब जी के बराबर होगा, जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवार्ड होगी। मतलब जब अल्फा 90 होगा तो एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवार्ड होगा, और उसका डायरेक्शन नीचे होगा, माइनस जे कैप होगा, वर्टिकली डाउनवार्ड जो है 90, मतलब ए भी 90 दिया, ए भी 90 दिया। इसका मतलब यह है हॉरिजेंटल वाला केस मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं बीच में कहीं हॉरिजेंटल हुआ होगा, तो सबसे पहले अब मैं उसी को कैलकुलेट करता हूँ। तो ये मुझे अब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक ना? चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करना हम लोग का काम है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ से अब देखो, यहाँ पर था तो नेट एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवार्ड था, ए नेट। जब ये बॉब यहाँ आया, ठीक है ना, ऐसे जब बॉब यहाँ आएगा, ये वाला बॉब यहाँ आया, तो एक्सलेशन वर्टिकली अपवार्ड हो गया। इसका मतलब ये हुआ नेट एक्सलेशन इधर हो गया, बीच में कहीं हॉरिजेंटल भी हुआ होगा। चलो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट है स्पेशल पॉइंट, जहाँ पर एक्सलेशन अल्फा थीटा डिग्री पे जाके कुछ यहाँ पे हॉरिजेंटल हुआ होगा, नेट एक्सलेशन ऐसे आया होगा हॉरिजेंटल, ठीक है ना? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है
क्योंकि सेंट्रीपिटल, ये जो है सेंट्रीपिटल और वेक्टर रिजल्टेंट देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल वाला इधर आया होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है वो इधर आया होगा, स्ट्रिंग के एलोंग आया होगा ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कितनी वेलोसिटी वो भी नहीं पता। और इधर जो आया होगा एम जी का एक कॉम्पोनेंट आया होगा, एम जी साइन थीटा यहाँ पे, क्योंकि देखो ये वाली लाइन अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे लगेगी एम जी, और ए अगर थीटा है तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी कॉस थीटा, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी साइन थीटा। तो यही टेंजेंशियल एक्सलेशन देगा जिसकी वैल्यू जी साइन थीटा होगी। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन तो पता चल गया जी साइन थीटा होगी, और इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो ही अपना ए नेट देगा जो कि हॉरिजेंटल होगा, ठीक है ना। इस तरह देख रहे कैसे अपना एक्सलेशन डायरेक्शन बदल रहा। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 है, तो ए भी तो थीटा होगा। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा इस ट्राइंगल में आ जाओ, ए सी इधर है तो इस ए सी को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इस ए सी को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है ए सी पी बाई बी ए सी अपॉन ए टी, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट है ए सी निकालना। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर स्ट्रिंग की लेंथ एल ले लिए, तो स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो अब तुम्हें टारगेट है भी निकालना। स्पीड कैसे इस पॉइंट पे निकाला जाए, देखो एनर्जी कंजर्व करा देते हैं। चलो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, क्या नाम रखे थे इस पॉइंट का, सी, बी और सी पर ये पॉइंट बी था, तो आप पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे जीरो सेट कर देता हूँ। आप नीचे भी सेट कर सकते हो, ऊपर भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले देता हूँ, और बॉल नीचे कितना गिरा है, अगर ये इस ट्राइंगल में आ जाओगे तो ये लेंथ एल है और ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, एल कॉस थीटा। तो बॉल नीचे गिरा है एल कॉस थीटा, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओगे तो जो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी, ठीक है ना। तो बी और सी पे मैकेनिकल एनर्जी आपस में बराबर है, तो मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे काइनेटिक गया जीरो, पोटेंशियल गया जीरो, ठीक है ना। और सी पॉइंट पे काइनेटिक है हाफ एम बी स्क्वायर एम, और पोटेंशियल है माइनस एम जी एच होता है भाई, ऊपर जाओगे तो प्लस नीचे आओगे तो माइनस, तो माइनस हाफ एम बी स्क्वायर माइनस एम जी एच की वैल्यू एल कॉस थीटा है यहाँ से। तो यहाँ से बना एम जी एल कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हाफ एम बी स्क्वायर की कॉल आएगी। तो मास मास खत्म हो गया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ से 2gL कॉस थीटा आ गया। तो ये वाली जो वेलोसिटी का स्क्वायर है अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन दिखने लगेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर एल है, तो बी स्क्वायर यहाँ से 2gL कॉस थीटा, और यहाँ से एल है, तो एल ने एल को मतलब 2g कॉस थीटा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन 2g कॉस थीटा के इक्वल आ गया ये वाली चीज़। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकेंड है यहाँ से ये आ गया। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो नेट एक्सलेशन हमें चाहिए ना, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, टेन थीटा की वैल्यू ए सी अपान ए टी थी, तो ए सी अपान ए टी, तो ए सी अपान ए टी की वैल्यू, तो ए सी की वैल्यू कितनी है 2g कॉस थीटा, और ए टी की वैल्यू कितनी है जी यहाँ से साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया, मतलब 2 यहाँ से कॉट थीटा, मतलब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 आ गई, मतलब यहाँ से जो टेन थीटा की जो वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू है वो √2 आ गई, और √2 अगर टेन थीटा की वैल्यू है तो एक ट्राइंगल बना लो यहाँ। तो अगर एक ट्राइंगल में ये टेन थीटा इज इक्वल टू होता पी बाई री, √2/1 लिख सकते हो, तो ये √2 है ये 1 है, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा √3। तो अगर ये थीटा है, अब थीटा कोई अल्फा यहाँ लिया था, तो अब मैं थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ से टेन अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2, और यहाँ से कॉस अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी 1/√2, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक ना, ये √3 है। तो यहाँ से तुम देखोगे जब एक अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स √3 होगी उस वक्त एक्सलेशन हॉरिजेंटल हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस हिसाब से अपना देखो सोल्यूशन नोट कर लेना, एक एक लाइन वीडियो पॉज करके कई बार देखना समझना,
सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो हॉरिजेंटल मतलब अपना ए ऑप्शन सही हो जाता है, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।